बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, हंसते मुस्कराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, अमेजिंग सी, झटपट वे में बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी बन जाने वाली चर्सी चाय बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो 4 कप के करीब दूध ले लिया है। दूध हमने जो है वो फुल फैट क्रीम मिल्क दूध लिया है, देख सकते हैं आप भलाई कितनी अच्छे से जो है वो बन के आई है। तो हमने दूध को अच्छा सा 2 बार अच्छे से पका लिया है। दूध जब अच्छे से पक जाएगा तब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के पत्ती ऐड कर देंगे, यानी कि 4 कप हमने यहाँ पे जो है वो दूध लिया है। दूध में हमने बिल्कुल भी पानी ऐड किया नहीं है। इसके अंदर हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के पत्ती ऐड की, 1 छोटी इलायची ऐड कर दी, 2 अदद जो है वो इसके अंदर हमने जो है वो गुड़ के टुकड़े ऐड कर दिए, 2 छोटे से टुकड़े इसके अंदर हमने ऐड किए हैं, देख सकते हैं आप। 4 कप दूध में हमने जो है वो 1 टेबल स्पून पत्ती और 1 अदद जो है वो छोटी इलायची ऐड की। अगर आपके पास थोड़ी सी जो है वो छोटी छोटी हो तो आप 2 से 3 भी ऐड कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी बड़ी थी तो मैंने 1 ही जो है वो हरी इलायची ऐड की है। तकरीबन 2 छोटे छोटे टुकड़े जो है वो इसके अंदर हमने जो है वो गुड़ के ऐड कर दिए। इसके बाद चाय को हम मुस्तकिल इस तरह से करते जाएंगे, फेंटते जाएंगे। जितना हम इसे फेंटेंगे उतनी हमारी चाय अच्छे सी पक के रेडी होगी। तकरीबन भी 20 से 25 मिनट के दौरान बिल्कुल लो दम फ्लेम पे जो है वो हम इसे कुक करेंगे। इस तरह से हमारी 20 मिनट के दौरान बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी चर्सी चाय बन के रेडी होगी, देख सकते हैं। मैं मुस्तकिल जो है वो बिना वीडियो को स्किप किए आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो है वो किस तरह से इसे मुस्तकिल फेंटती रही, इस तरह से कितने अच्छे से झाग बन के आ रहे थे। एक अच्छा सा फ्लेवर चाय के अंदर बन के आया था, देख सकते हैं आप। मुस्तकिल मैंने यहाँ पर इसे 20 मिनट तक चम्मच इस तरह से हम करते गए थे, यानी कि डोंगी कह लें आप, कुछ भी कहते हैं। तो मैंने इस तरह से मुस्तकिल करते करते तकरीबन भी 10 मिनट हो चुके थे, और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे कितनी मज़ेदार सी जो है वो बालाई सी ऊपर बन के आ चुकी है। इसे हम दोबारा से अच्छी तरह से जो है वो इस तरह से फेंटते जाएंगे। जितना हम फेंटेंगे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा बन के आएगा। तो चर्सी चाय में यही इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। तो जब हमारी 10 मिनट की चाय अच्छे से पक जाएगी तब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें तकरीबन भी 2 टेबल स्पून या अपने हिसाब से आप जो है वो चीनी ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 1.5 टेबल स्पून चीनी ऐड किया था, क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पे 2 टुकड़े जो है वो गुड़ के भी ऐड किए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून चीनी ऐड की। चीनी ऐड करने के बाद भी दोबारा से इसे हम मुस्तकिल से फेंटते जाएंगे, और उसके बाद तकरीबन भी इसे हम 10 मिनट तक और भी ज़्यादा अच्छे से कुक करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इस चाय को हम बनाएंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चर्सी चाय में यही इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, लेकिन इस चर्सी चाय को मुस्तकिल तकरीबन भी 20 से 25 मिनट के लिए जो है वो मुस्तकिल पकाया जाता है, और वो भी बिल्कुल दम वाली लो फ्लेम पे। तो आप भी इसी तरह से बना के रेडी करेंगे तो यकीन करें आपकी बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी ये चाय बन के रेडी होगी। बिल्कुल अलग सी ये चाय बन के रेडी होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी बन के रेडी होती है। तो देख सकते हैं आप, मुस्तकिल मुझे हिलाते हिलाते तकरीबन भी 15 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट इसे हम दोबारा से और भी ज़्यादा अच्छे से बॉईल करवाएंगे। जब इसमें अच्छा सा बॉईल आने लगेगा, देख सकते हैं आप, मैंने जो है वो थोड़ा सा वीडियो को जो है वो फास्ट पे किया है। तो देख सकते हैं आप, फास्ट पे ये इतनी हल्की सी चल रही है, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कितनी दम वाली फ्लेम पे कुक किया है, देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी आपकी ये चाय बन के रेडी होती है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से। आप 4 कप बनाएंगे तो आपके तकरीबन भी 3 से 2 कप के करीब रह जाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर आपने ज़्यादा बना के रेडी करनी है, यानी कि 4 कप बना के रेडी करनी है, तो आप इसके अंदर 8 कप दूध ऐड करेंगे। अगर आपने इसकी जो है वो 2 कप बना के रेडी करनी है, तो आप इसके अंदर 4 कप ऐड करेंगे। ये जितनी पकती है इसका फ्लेवर उतना ही ज़्यादा अच्छा बन के आता है। तो देख सकते हैं आप, 20 मिनट हमारे टोटल हो चुके हैं, और हमारी अमेजिंग सी, देख सकते हैं आप, कड़क सी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी चर्सी चाय बन के रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। और अब हम इसे जो है वो कप के अंदर इस तरह से ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल जो है वो 2 कप के करीब रह गई है, यानी कि 4 कप से ये 2 कप के करीब जो है वो रह गई है।
देख सकते हैं आप अमेजिंग से हमारी फ्लेवरफुल सी चर्सी चाय बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल बनी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।